नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल foundmybook.com पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैवन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक बुक के बारे में। दोस्तों, उस बुक के बारे में बात करूं उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर पाए, और साथ ही कमेंट्स में डिटेल में आप कमेंट्स में जाकर के हमें बताइए कि हम और किस नए विषयों पर जो है वीडियो बनाएं, ठीक है? आपको उससे मदद मिले, आप कंपटीशन एग्जाम से जो है अगर आप दे रहे हैं कंपटीशन एग्जाम तो उसमें आपको तैयारी करने की थोड़ी मदद मिले। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में। तो सुगम राजस्थान की ये नई बुक है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर आधारित है, और ऑल एग्जाम रिव्यू भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 1999 से 2021 तक के सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का बेजोड़ संकलन देखने को मिल जाता है। साथ ही चयन प्रकाशन की बुक है तो नॉर्मल सी बात है, अच्छी बुक होगी। साथ ही दोस्तों बता दूं कि चयन प्रकाशन जो है पब्लिकेशन जो है उनकी बहुत सी बुक्स जो है अवेलेबल है मार्केट में कंपटीशन से रिलेट करती हुई, तो अगर आप चाहें तो उन बुक को भी यूज़ कर सकते हैं, उन बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उनकी डिटेल पीछे दी गई है। बात कर ले इस पुस्तक के प्राइस की और इस पुस्तक के विषय सूची के बारे में। इस पुस्तक के जो चीज़ें हैं उनके बारे में तो मैं बता दूं कि जो पुस्तक है आपको मिल जाएगी 250 रुपये में, 250 रुपये की पुस्तक है जो कि आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट foundmybook.com से परचेज करेंगे तो ये आपको इससे भी कम दाम में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही बता दूं कि जो वीडियो को पहले 10 लोग इस वीडियो को देखकर हमारी वेबसाइट से ऑर्डर देंगे उनको उन पहले 10 लोगों को जो है फ्री डिलीवरी भी दी जाएगी। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसे बाय कीजिए ताकि आपको फ्री डिलीवरी का फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं विषय सूची की। तो इसमें आपको वृद्धि एवं विकास, अधिगमन, अभिप्रेरणा, चिंतन, आत्म संप्रत्यय, आदत, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, रुचि अभिरुचि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व बुद्धि, अधिगमन कठिनाइयाँ, पिछड़े बालक, संशयात्मक बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, सृजनशील बालक, जैसे कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही पीछे देखिए तो प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, बाल अपराध समायोजन शिक्षण NCF 2005, आंकलन मापन एवं मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जैसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट foundmybook.com से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहे, और कमेंट में बताइए कि आप हमारे चैनल पे और कौन सी नई वीडियोस देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।